नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में अनलॉक 6 में अब सब कुछ खोलने का जारी हुआ आदेश। बीएड एंट्रेंस में सफल अभ्यर्थियों की 1 सितंबर से होगी काउंसलिंग। स्वास्थ्य विभाग में हजारों पदों पर जल्द होगी भर्तियां। चुनाव के दौरान भी नहीं रुकेगी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में अनलॉक 6 में अब सब कुछ खोलने का जारी हुआ आदेश। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार थमता देख आज आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें नीतीश सरकार ने अनलॉक 6 पर बड़ा फैसला लिया है। अनलॉक 5 का आज आखिरी दिन था। कल से बिहार के अनलॉक होने का 6ठा फेज शुरू होने वाला है। फैसले के मुताबिक अब धार्मिक स्थलों को भी खोलने की सहमति दे दी गई है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है, जिसमें स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थलों को सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन की अनुमति से अब सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी किए जा सकेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। साथ ही सभी प्रकार की परीक्षा भी लिए जा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग में हजारों पदों पर जल्द होगी भर्तियां। बिहार सरकार कोरोना काल में सबक लेते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भारी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली और जरूरी उपकरणों से अस्पतालों को लैस करने का काम कर रही है। इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग में 20 दिनों के भीतर करीब 3000 चिकित्सकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में 18000 ANM की भी नियुक्ति की जाएगी। इनमें से विभागीय स्तर पर 10,500 ANM को स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा। वहीं इस संबंध में मीडिया को बताते हुए बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बच्चों पर खास तौर पर ध्यान देने की तैयारी चल रही है। सीतामढ़ी के चर्चित सर्जन शिवशंकर महतो को बदमाशों ने मारी गोली। सूबे के सीतामढ़ी जिले में मंगलवार देर रात को शहर के चर्चित सर्जन डॉक्टर शिवशंकर महतो को उनके निजी नर्सिंग होम में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी। गोलीबारी की घटना में वहां मौजूद एक नर्स की मौत गोली लगने से हो गई। वहीं डॉक्टर का इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अपराधियों ने डॉक्टर शिवशंकर महतो पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां मार दी, जब वे देर रात करीब 12:30 बजे कहीं से अपनी क्लिनिक पर पहुंचे थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में सदर DSP अपने स्तर से जुट गए हैं। बीएड एंट्रेंस में सफल अभ्यर्थियों की 1 सितंबर से होगी काउंसलिंग। बीते दिन बिहार राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का रिजल्ट आया, जिसमें 95.06% अभ्यर्थी सफल हुए। इस बार लड़कों में समस्तीपुर के प्रीतम ने 105 अंक लाकर टॉप किया है। वहीं लड़कियों में पटना की राखी कुमारी ने 103 अंकों के साथ राज्यभर में टॉप किया है। ट्रांसजेंडर श्रेणी में जहानाबाद के बंटी कुमार 86 अंकों के साथ टॉपर रहे। परीक्षा में 1,12,146 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए, जबकि 5,822 परीक्षार्थी असफल रहे। इस परीक्षा में 64,383 पुरुष और 52,381 महिलाएं सफल रही हैं, जबकि 6 ट्रांसजेंडर सफल रहे हैं। अब राज्य के 14 यूनिवर्सिटी में बीएड की पढ़ाई के लिए सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। यह काउंसलिंग 1 सितंबर से ऑनलाइन मोड में की जाएगी। बताते चले कि बीएड की सीट केवल 33,000 के करीब है, लेकिन सफल अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है। पंचायत चुनाव के दौरान भी नहीं रुकेगी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया। सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का औपचारिक ऐलान बीते दिन कर दिया गया और इसी के साथ अब 24 सितंबर को पहले चरण के मतदान की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी है। इस बीच 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि पंचायत चुनाव का असर इस बहाली प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है, इसलिए नियोजन पत्र बांटने के साथ इसे पूरा कराया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में जल्द फैसला लिया जाएगा। ATEPFO ने जूनियर असिस्टेंट के लिए निकाली भर्ती। असम टी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जूनियर असिस्टेंट के 25 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली है। इनमें से 8 पदों पर महिलाओं की बहाली होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का ग्रेजुएशन के साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो यह 21 से 38 साल निर्धारित की गई है। यह जॉब असम में होगी, इसके लिए परीक्षा के माध्यम से चयन लिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https@ATEPFO.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर आप जाकर चेक कर सकते हैं।
राज्य में एक साथ 619 नई महिला दरोगा संभालेगी थाने का जिम्मा। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक 2018 बैच की 16 कंपनियां पास आउट परेड के लिए तैयार हैं। ये सभी 1583 दरोगा कल गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने राजगीर पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड करेंगे। इसके बाद इनको फील्ड में उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें से 619 नई महिला दरोगा भी शामिल है। ऐसा पहली बार होगा जब राज्य में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में महिला दरोगा मिल रही है। पासिंग आउट परेड में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचेंगे। वहां ट्रेनिंग के दौरान सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 दरोगा को भी सम्मानित किया जाएगा। पानी टैक्स भरने में देरी करने पर 1% ब्याज दर से लगेगा जुर्माना। बिहार के नगर निकायों में रहने वाले लोगों को जल्द ही अब नल जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन लेने पर हर महीने वाटर टैक्स भरना होगा, जिसकी शुरुआत जल्द ही सभी नगर निकायों में होगी। वहीं अब यह भी बात सामने आई है कि अगर 1 महीने के वाटर टैक्स भरने में देरी होती है तो लाभुक को 1% ब्याज दर के हिसाब से जुर्माना भी भरना होगा। इसके अलावा अगर कोई लाभुक 1 साल तक वाटर टैक्स को जमा नहीं करते हैं तो उनका पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। दोबारा कनेक्शन लेने के लिए 1000 रुपए अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। बता दें कि सरकार के निर्देश पर अब अधिकारी हर दिन सुबह 2 घंटे इस योजना के निरीक्षण के लिए फील्ड में घूमेंगे। पटना में तरकारी एक्सप्रेस के जरिए मिलेगी ताजी सब्जियां। राजधानी पटना के लोगों को अब उनके घरों तक ताजी सब्जियां मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें बाजार की भीड़ में खरीदारी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने लोगों के घरों तक ताजी सब्जियां पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत किसानों के खेत से सीधे खरीदी गई सब्जियों को लोगों के मोहल्ले तक कुछ घंटों के अंतराल में पहुंचाया जाएगा और दाम भी बाजार से कम होंगे। बिहार सहकारिता मंत्रालय की तरफ से यह व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें ई रिक्शा के माध्यम से शहर भर में तरकारी एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। अभी इसके लिए 10 ई रिक्शा खरीदा गया है। फिलहाल इसकी शुरुआत पटना से शुरू की गई है, बाद में अन्य जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। जाति जनगणना पर गिरिराज सिंह ने रखा अपना पक्ष। बिहार में जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग जोरों से उठ रही है। इसके लिए बीते दिनों ही बिहार से एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम मोदी से मुलाकात भी की। हालांकि एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी इस मुद्दे पर अपना समर्थन शुरू से ही नहीं दिखा रही है। इस बीच अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री व बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट में लिखा है कि जो भी जनगणना हो वह समाज के हित के लिए हो, राजनीति के हित के लिए नहीं। इससे साफ होता है कि वे भी जातिगत जनगणना के मामले में पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े हैं। बाढ़ से राज्य की 158 सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। बिहार में हर साल बाढ़ तबाही लेकर आता है और जाते जाते सरकारी और निजी संपत्ति को टूटे फूटे हाल में ही छोड़कर चला जाता है। इस बार भी बाढ़ में राज्य में पथ निर्माण विभाग की अधीन आने वाली 158 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन सड़कों को पहले की तरह बनाने में 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परिवहन की समस्या को देखते हुए पथ निर्माण मंत्री ने छठ पर्व से पहले इन सड़कों को दुरुस्त करने का आदेश अधिकारियों को दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान भागलपुर पीरपैंती NH-80 पर हुआ है, जिसे 10 दिनों के भीतर चलने लायक बनाने का निर्देश दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल अपने जयंती दिवस पर किए गए याद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल की आज जयंती दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग स्थित लोक संवाद में स्वर्गीय बीपी मंडल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा आदि भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपी मंडल के योगदान को याद करते हुए कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मंडल जी ने जो प्रयास किया वो हमेशा उसके लिए याद किए जाएंगे। भारतीय कप्तान विराट कोहली का इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर आया बयान। इंग्लैंड में आज लीड्स में भारत और इंग्लैंड टीम के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। भारतीय टीम पिछले बार की तरह जीत के उद्देश्य से मैदान में उतरी है। मैच शुरू होने से पहले अपने प्रदर्शन को लेकर कप्तान कोहली ने एक बयान दिया। कोहली ने कहा कि मैं इतिहास के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता हूं। इतिहास आपको किसी भी चीज की गारंटी नहीं देता। अगर आपने कहीं भी कुछ नहीं जीता है तो आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आप वहां नहीं जीतेंगे, और अगर आप कहीं भी जीत गए हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप हारेंगे ही। बिहार में ताजा अपडेट में मिले मात्र 9 नए संक्रमित। अपने राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का असर थम गया है। इसका गवाह हर दिन जारी होने वाले आंकड़ों में नए संक्रमितों की संख्या ही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,36,284 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 7 मामले मिले। वहीं इस दौरान राज्य भर से 9 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इस क्रम में 19 लोग बीमारी से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 101 रह गई है। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो यह 98.63% पर पहुंच गया है।
तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा अनलॉक 6 में धार्मिक स्थलों को सामान्य रूप से खोल देने का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।